उत्तराखंड में अब स्मार्ट बिजली मीटर का विरोध होने लगा है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के साथ किसानों ने डीजीएम कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर रुड़की डीजीएम कार्यालय पर स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरा। वहीं दूसरी मांग उन्होंने सीपीयू पुलिस को लेकर रखी है, जहां उनका कहना है कि सीपीयू पुलिस किसानों का 10,000 से अधिक रुपयों के चालान काट रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री का कहना है कि उनका यह अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक यह धरना ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। तराई कर दी तो हम तो सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन तो उत्तराखंड में भी जबरदस्त है। एक क्या है कि ये स्मार्ट मीटर लगाओगे, इन पुराने मीटरों से काम नहीं चल रहा, या यहाँ भी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरह का काम ना इसको किसान जो है उसको बर्दाश्त करने का, ना कोई व्यापारी करने का, ना ये इतनी जो है इतनी महंगी बिजली करवा के क्या इस किसान का करना चाह रहे। ये धरना चला गया बड़ी लड़ाई के लिए, किसान तैयार है। भी एक बात तो बताओ, इतने की मोटरसाइकिल में उससे ज्यादा का चलान, ये तो लूट मचाने का ही तो एक वो कर दिया। अगर उस पर साथ के साथ सेटिंग निकल लगे ना 1,000 रुपए की मलाल दबे तेरा कुछ नहीं करने का। एक तो ये सारे नियम बदलने चाहिए भाई, किसी पर कागज नहीं है, वो अपने मोबाइल में भी रख रहा तो उस पर भी मानना जाए कि वो कागज मोबाइल पर मान रहा है। यहाँ कुछ नहीं मानना जा रहा, यहाँ तो बस चलान काट रहे, और चलान किसी पे पैसे नहीं है तो बस जो है उसका इलाज कर रहे, गरीबों का आनंद हो रहा भाई। हाँ एक मिल है भाई इकबालपुर सुपर मिल, बहुत कई साल लोग आए, लगभग 4-5 साल लोग आए। हरियाणा के किसान है, वे रोज परेशान रहे, रोज धरना प्रदर्शन करे, उस पर भी सरकार ध्यान दे। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से 10 साल पहले खुले मंच में कहा था कि भाई हम गन्ने का रेट 450 रुपए देंगे अगर हमारी सरकार आ गई। 10 साल पहले कहा, और गन्ने का रेट कितना है? उत्तराखंड को तो नजीर मानते थे, उत्तराखंड का रेट जो होता था उससे भाई 10 रुपए अधिक रहता था। आज यहाँ के किसान की क्या हालात है? तो इन सारे चीजों पे, इन सारे विषयों को लेकर ये धरना, ये लड़ाई, ये प्रदर्शन, ये संगठन के जारी है, जारी रहे। इसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। एक तो इसमें हमारे जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे, हम उनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। सरकार हमारी फसलों के पैसा एडवांस में दे दे, भाव एडवांस में दे दे, और मजदूर की मजदूरी एडवांस दे दे, तो हम भी बिजली का एडवांस पैसा देकर लगवा देंगे, नहीं तो किसी भी सूरत में हम इसे गाँव में नहीं लगने देंगे। दूसरा, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के कारण किसानों को खेती करने के लिए बिजली फ्री दी जा, जिस तरीके से विधायकों ने अपनी आमदनी भत्ते बढ़ाए उसी तरीके से किसानों को भी 6,000 की बजाय 50,000 साल के करे जा। ये हमारी सब समस्या है। इन सब समस्याओं को लेकर आज यहाँ हमने धरना प्रदर्शन करा, और अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो यहाँ धरना हमारा अनिश्चितकालीन चला। देखिए जिस तरीके से सीपीयू के चलान कट रहे 10-10 हजार के, 20-20 हजार के, हमारे फसलों के रेट जिस 1.5 गुना जिस 20 साल में जितने बढ़े, जितना रेट किसान का 20 साल में बढ़ा फसलों का, उसी हिसाब से चलानों के रेट बढ़ा दें। हम 10,000 का चलान किसी सूरत में नहीं देंगे, हम मात्र 100 रुपए का चलान देंगे। अगर कोई पुलिस विभाग किसी किसान या मजदूर की मोटरसाइकिल का चलान काटेगा तो उसके कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करने का काम करेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।